सुबह के 7:30 बजे हम निकल चुके हैं अपने एयरपोर्ट के लिए। अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली अपने घर, और यहाँ का सफर यहीं पे ख़त्म होता है। होटल को हमने बाय बाय कर दिया, एक खूबसूरत नज़ारों को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया। अभी तो ये एरोप्लेन से मिलेंगे हमें सुंदर सुंदर सा व्यू। कैसा रहा आपका ट्रिप, कैसा लगा आपको ले? बड़ा मज़ेदार यार। हम एयरपोर्ट पहुंच गए, चेक इन हमारा हो गया है, और ये एयरपोर्ट पुराना है जो बहुत छोटा है। तो यहाँ के लोगों ने बताया कि टूरिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है, लोग ट्रैवल करते हैं, तो नया एयरपोर्ट बन रहा है। ट्राइब्स इंडिया करके, दे हैव लाइक 40% ऑफ विलन एंड शॉल्स एंड लॉट ऑफ। लेट्स गो एंड शॉप। यहाँ हम आए लेकिन मेरे मतलब का कुछ नहीं था, और ऑब्वियसली एयरपोर्ट होने की वजह से बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें थी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जो यहाँ था। तो वी थॉट क्यों नहीं अभी हम कॉफ़ी लेते हैं और बैठते हैं, क्योंकि फ़्लाइट डिले हो रही थी। तो ये रही हमारी कॉफ़ी, और यहाँ रुद्राक्ष ने पानी पी के अपनी हालत ख़राब की हुई थी, बस यहाँ से पानी भरता जा रहा था और पिए जा रहा था। ये हमारा भाई जा जैसे वाली। ये देखो रुद्राक्ष और उसके पापा के काम, बैटमैन और सुपरमैन दोनों यहाँ पे लटके हुए हैं, और अभी बहुत खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया था कि आप लोग भी देख के एंजॉय कर सको। बहुत सुंदर लग रहा था ये, और ये स्टॉक रेंज जो आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं। Moments later. घर पहुंच गए थे हम, और शाम को निकले हेयर कट के लिए, क्योंकि गौरव को कल निकलना है और रुद्राक्ष को भी हेयर कट की जरूरत थी। तो यहाँ पे दोनों ही बैठे हुए हैं अपने हेयर कट के लिए, और रुद्राक्ष ने स्पेशली बोल के अपने बाल सेट कराए हैं। देखो हम ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद घर वापस आए हैं, तो ये गोलगप्पे देख के मुझसे रहा नहीं गया, ये खाया और हमारा पेट भर गया। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना पान खाया जाए, तो खा पी के मार्केट से कुछ सामान लेके हम चल दिए वापस घर की तरफ। हम मार्केट से होके इन दोनों का हेयर कट करा के, बाबू बच्चा बना के, मार्केट घूम के, खाना वाना खा के, पान पैक करा के हम चल दिए हैं घर की तरफ। और कल गौरव की वापसी भी है, तो अब जाएंगे पैकिंग करेंगे, काम ख़त्म करेंगे अपना। The next day. हम पहुंच गए, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम एयरपोर्ट, और यहाँ हम छोटे बकरू को लेके आए हैं, और ये छोटे बकरू सो गए। छोटे बकरू पापा की गोदी में सो गए, और डायलॉग ऐसे मारता ना कि मेरे को लाडू नहीं चाहिए आपसे, मेरा लाडू दे दो मेरे को, ये बोल के और पापा की गोदी में घुसा है और सो गया है यहाँ के। ये वाला वेकेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम जल्दी से वापस मिलेंगे, और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। पापा पूरी कोशिश कर रहा है बच्चा उठ जाए किसी तरीके से, नहीं उठता। अब हम कम से कम 2 घंटे के बाद उठेंगे। पापा को मिस ही करने वाला है बहुत सारा। आज तो पापा को इमोशनल होकर बोल रहा था पापा मत जाओ। मेरा पंपू उठ जाए यार, अब तो पापा पहुंच गई एयरपोर्ट लड्डू के लिए। नहीं उठते, हमने कर दिया आपको बाय, जितनी करनी थी हो गया। वहाँ कहाँ चली, हमने घर जाना है वापस। पलट 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 ये पलटा, गौरव को छोड़ के अब घर वापस आ गए। इसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं था। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू।